हाल के दिनों में पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है और आज इसी का विरोध पटना के कंकड़बाग में महिला कांग्रेस संगठन की ओर से किया गया है। साफ तौर से बीच सड़क पर महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महंगाई तो सबों के लिए बढ़ रही है लेकिन असर हम महिलाओं पर ज़्यादा करता है। अभी इस प्रचंड गर्मी में हम महिलाओं घर की जगह सड़क पर आए हुए हैं, हमारे साथ हमारे पुरुष वर्ग भी, यहाँ पर के लोग भी, जनता भी साथ दे रही है इस महंगाई से त्रस्त होकर। सरकार कहती है कहीं चुनाव के पहले, अभी 5 राज्यों में चुनाव, तो सरकार कही कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, लेकिन क्या की चुनाव खत्म होते सरकार बनी भी नहीं जगहों पे राज्यों में, और उन्होंने दाम बढ़ा दिया पेट्रोल का भी और गैस सिलेंडर का भी। तो सरकार की मंशा क्या है? क्या इस तरह से महंगाई करके वो जनता को लूटना चाहती है? सारा चुनाव का खर्चा जनता से लेना चाहती है? ये तो साफ झलक रहा है कि उन्होंने जिस स्तर से जनता खर्च किया वो सारा हम आम जनता के पॉकेट से लूट रही है। टैक्स उनका पेट नहीं भर रहा है तो हर चीज़ का दाम बढ़ा के अभी 5 दिन के अंदर उन्होंने 320 रुपया बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल पर। तो सरकार का आखिर मंशा क्या है? महंगाई, हम महिलाएं ज़्यादा त्रस्त होती है, पुरुष कमा के दे देते हैं लेकिन किचन का भार हम लोग को चलाना पड़ता है, और किचन कैसे चलाएं, कैसे खाएं और कैसे चलाएं बाकी उन गरीब जनता के लिए, जिसको सरकार कहती है कि राशन कार्ड जिसके पास रहेगा अनाज उसी को मिल, तो क्या जिस गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है वो भूखा नहीं है? उसको भूख नहीं लगती, उसके पास पेट नहीं है? ये सरकार जवाब दे, ये मोदी सरकार जवाब दे कि वो कहाँ से खाएंगे, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं। विरोध किए आज? विरोध है हम लोग का, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के खिलाफ हम लोग सारे लोग, जनता भी हमारे कर रही है। कहाँ पर? ये कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड पे है महिला कांग्रेस के तरफ से। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं महंगाई कम, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है पेट उनके तो पास पे, उनको भी अनाज दिया जाए। आप लोगों ने गीत भी गाया मोदी के खिलाफ, कहा कि हाँ, सैया तो बहुत कमात हैं, डाइन खाए जाते हैं, लेकिन यहाँ डाइन नहीं है कोई, यहाँ मोदी खा रहे हैं। उस गाने को हम लोगों ने थोड़ा सा ये कर दिया और डाइन मोदी जी बनकर वो मोदी जी खा रहे हैं। साफ तौर से महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस के कीमतों को जल्द से जल्द कम करने की मांग केंद्र सरकार से की है, और उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि 5 राज्यों के चुनाव को खत्म हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ रसोई गैस के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की है, जिसके विरोध में आज राजधानी पटना के लोग भी सड़कों पर कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।